तो कैसे हैं आप लोग? तो यार फाइनली हमारे पास कुछ नए स्पॉयलर्स आ चुके हैं। तो यार इस टाइम पे कभी भी नए स्पॉयलर्स नहीं आते, लेकिन यार ड्रैगन बॉल सुपर का कुछ भरोसा नहीं होता, वो लोग कभी भी स्पॉयलर्स दे देते। तो यार फाइनली हमारे पास कुछ नए स्पॉयलर्स, अब ये बिल्कुल ही कभी भी पहले नहीं आए, एकदम ही नए एपिसोड के नए स्पॉयलर्स आ चुके। तो यार हमारे पास आ चुके ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 123 के स्पॉयलर्स। और यार इसका सिर्फ टाइटल है, कोई समरी वमरी नहीं है, लेकिन यार सिर्फ टाइटल के हिसाब से हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ कि इसके ऊपर हज़ारों थियरी वीडियोस आने वाले, हज़ार वीडियोस आने वाले कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो यार टाइटल ही बहुत ही सही है। तो यार मैं स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए इस वीडियो में गेम प्ले, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि यार मेरे बहुत सारे वीडियोज़ पर जो है वो क्लेम पे क्लेम लगते जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे उनका इमेज भी यूज़ करना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ उसके लिए। तो यार बढ़ते ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 123 के स्पॉयलर्स की तरफ। और अभी तक आप लोग ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए स्पॉइलर सबसे पहले लेकर आता हूँ। तो यार बढ़ते हैं इन स्पॉइलर्स के ट्रांसलेटेड वर्जन की तरफ। ये रहे ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 123 के स्पॉइलर्स। तो यार इसका कुछ, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, इसका कुछ समरी नहीं है, सिर्फ टाइटल है। तो ये पहला एपिसोड नहीं है 2018 का, सबसे पहला एपिसोड आने वाला है January 7 को, जो यार होने वाला है वेजिटा वर्सेस जीरेन। उस एपिसोड का भी हमारे पास बिल्कुल ही समरी नहीं है, उस एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या वेजिटा जीतने वाला है, क्या उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिलने वाला है, या फिर क्या वो डिफीट हो जाने वाला है। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है शायद ड्रैगन बॉल सुपर वाले हमारा हाइप, मतलब इस एपिसोड का हाइप बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग शायद हमें बिल्कुल ही समरी ना दे इस एपिसोड की, या फिर बिल्कुल ही सिर्फ एक हफ्ते पहले शायद समरी दे दे। तो वो लोग शायद इस एपिसोड का काफ़ी ज़्यादा हाइप करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े एनिमेटर्स को भी लाया इस एपिसोड के लिए। तो यार हमारे पास सिर्फ अगले एपिसोड का टाइटल है, और ये टाइटल भी कुछ भी रिवील नहीं करता, सिर्फ बताता कि इसमें कुछ खास होने वाला है। तो ये टाइटल है फुल बॉडी फुल स्पिरिट फुल पावर रिलीज्ड। तो ये टाइटल देख के हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते कि ये एपिसोड किसके बारे में होगा, ये सिर्फ गोकू या वेजिटा के बारे में ही हो सकता है, क्योंकि यार गोहान और फ्रीजा को तो ये लोग ने टूर्नामेंट के बाहर ही रखा हुआ है। गोहान ठीक है, वो थोड़ा बहुत लड़ रहे, फ्रीजा तो बिल्कुल ही बाहर है इस टूर्नामेंट से, वो क्या कर रहा है किसी को भी नहीं पता। पिछले दो क्या कब से वो कुछ भी नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है उसने लास्ट फ्रॉस्ट को एलिमिनेट किया था, उसके बाद से तो कुछ किया ही नहीं है उसने, और गोकू को थोड़ी बहुत एनर्जी दी दी थी और बस इतना ही, उसके आगे तो उसने कुछ किया ही नहीं है। तो यार मुझे नहीं लग रहा कि ये एपिसोड भी फ्रीजा के बारे में होने वाला है। तो यार मुझे क्यों लग रहा है कि वेजिटा और गोकू ही है, क्योंकि यार गोकू को तो कभी भी पावर अप मिल सकता है, क्योंकि ये शो ही गोकू के बारे में, और पिछले एपिसोड वेजिटा के बारे में ही था। तो इसके लिए मुझे लग रहा है या तो ये गोकू होगा या फिर ये वेजिटा होने वाला है। तो अगर ये वेजिटा के बारे में तो यार इस एपिसोड में मजा आने वाला है। तो यार अगर ये वेजिटा के बारे में है तो यार शायद उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिलने वाली है, शायद उसे ऑफेंसिव पार्ट मिल जाए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, या फिर उसे फुल मास्टर ही मिल जाए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, क्योंकि यार अभी तक ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वेजिटा ने मेन रोल प्ले किया एक आर्क में, हमेशा यार गोकू या फिर गोहानी होते हैं जो मेन रोल प्ले करते। तो अभी तक वेजिटा को तो बिल्कुल ही मतलब मेन हीरो की तरह नहीं लाया गया, तो शायद इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में वो चेंज हो सकता है, और शायद वेजिटा को एक फुल पावर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिल जाए। मुझे इसके चांसेस तो बिल्कुल ही कम लग रहे हैं, ऐसा होना मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी यार स्पेकुलेशन करने में क्या जाता है। तो या तो मुझे तो लग रहा है कि यार वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऑफेंसिव पार्ट मिलने वाला है, शायद ये मेरी थियरी है। तो अगर ये गोकू के बारे में और वेजिटा के बारे में बिल्कुल ही नहीं, तो शायद वेजिटा को जो है वो जीरेन बहुत ही गंदी तरीके से धो देता है, जैसे यार हमेशा ड्रैगन बॉल सुपर में होता रहा है, वेजिटा हमेशा पिटता रहता है और गोकू उसे बचाने आ जाते हैं। तो वेजिटा को बचाते बचाते गोकू के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ऑफेंसिव पार्ट भी मिल जाता है, और जो हम लोग ने पोस्टर देखा था 4-5 महीने पहले, जिसमें यार गोकू का इंटेंस बैक था, उसमें हमने देखा था कि गोकू के पास दो ऑरा है, एक ब्लू वाली और एक रेड वाली। तो ब्लू वाली तो है डिफेंसिव पार्ट जो ऑलरेडी गोकू के पास है, और शायद उसे इस फाइट के दौरान रेड वाली यानी ऑफेंसिव पार्ट वाली ऑरा भी मिल जाए, और गोकू जो है वो पा लेगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे कंप्लीट मास्टरी, और यहीं से स्टार्ट होगा गोकू वर्सेस जीरेन, जो फाइनल बैटल रहने वाला है टूर्नामेंट ऑफ पावर का, उसका स्टार्टिंग भी हो जाए। तो यार ये थे ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 123 के स्पॉयलर्स। तो यार आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या आप लोगों को क्या लगता है कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। और आज के लिए सिर्फ इतने ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, कमेंट से मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे अपनी थियरी भी जरूर बताना। ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ड्रैगन बॉल वीडियो में।